आपने गाड़ी का इंश्योरेंस इसलिए करवाया क्योंकि उसमें बैठने वाले को आर्थिक नुकसान ना हो, यानी आपकी गाड़ी कभी चोरी हो जाती है या कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो इस कंडीशन में यदि आपने गाड़ी का इंश्योरेंस लेकर रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको मुआवजा दे देगी, जिससे कि आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो अब देखा जाए तो आपका भी इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि आप पर निर्भर रहने वाला आपका परिवार कभी भी परेशान ना हो, क्योंकि देखा जाए तो आज आप जो भी काम करते हो और उस काम से जो भी आप हर महीने इनकम लेकर के आते हो, उसी इनकम से आपके परिवार के जो भी छोटे बड़े खर्चे हैं, खाने पीने के खर्चे, घूमने फिरने के खर्चे, बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह, घर का किराया, मेडिकल वगैरह के खर्चे, यानी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जितने भी खर्चे हैं, आपके द्वारा कमाए गए पैसों से पूरे हो जाते हैं। लेकिन भगवान ना करे कभी आपके साथ कुछ सुख दुख हो जाता है, आपके जीवन का अंत हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपके परिवार में जो आप हर महीने पैसा ला करके देते थे, वो पैसा आना तो बंद हो जाएगा, लेकिन आपके परिवार के जो खर्चे हैं, ये खर्चे तो बंद नहीं होंगे, ये खर्चे तो आपके परिवार को कंटिन्यू लगेंगे ही लगेंगे। तो यदि आप अपना इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो कभी भविष्य में यदि आपके साथ कुछ सुख दुख हो जाता है तो उस कंडीशन में आपके परिवार को आपके इंश्योरेंस का इतना क्लेम का अमाउंट मिल जाएगा जिससे कि उन्हें कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी हर महीने जितना भी पैसा घर चलाने के लिए आपके परिवार को लगता था, वो पैसा हर महीने उन्हें मिलता रहेगा, जिससे कि आपके बच्चे की स्कूल की फीस, घर का किराया, घर के खाने पीने के खर्चे, यानी छोटे से छोटे व बड़े से बड़े खर्चे उसी तरह से पूरे होते रहेंगे जिस तरह से आपके रहने पर होते थे। तो कॉल कीजिए अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को और उससे एक सही इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर अपने परिवार को पूरी तरह से आर्थिक रूप से सुरक्षित कीजिए। धन्यवाद।